अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में चुनाव रैली के दौरान गोली लग गई थी। हमलावर ने चुनाव रैली के दौरान उन पर कई गोलियां चलाई थी। इस हमले में वो जख्मी हो गए थे और उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में चोट आ गई थी। उनके दाहिने कान पर पट्टी बंधी हुई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चोट लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। ट्रंप मैदान में उतरे और भीड़ ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। बता दें कि ये तीसरी बार है जब ट्रंप को पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया है। साथ ही ट्रंप पर खतरे का ध्यान रखते हुए कन्वेंशन स्थल पर हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं बाइडेन और ट्रंप के बीच हुई डिबेट में ट्रंप पहले ही आगे चल रहे थे और अब जब से पेंसिल्वेनिया में अचानक ट्रंप पर हमला हुआ तब उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे।